अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज डिस्कस करते हैं सोल्यूशन फिन 611 का। बीइंग अकाउंटेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन डिसिमिनेटेड टू यू बाय हेड ऑफिस द किंग स्टोर ऑफ लाहौर हैज अ ब्रांच गुड्स सोल्ड 20% ऑन कॉस्ट। तो याद रखिएगा कि आपका यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट इतना है और आपकी सेल प्राइस जो है वो 130 है, ठीक है, कॉस्ट पे है। नंबर वन, द सेम टाइम गुड्स आर इनवॉइस्ड टू द ब्रांच एट द सेलिंग प्राइस दैट इज 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो वो कहता है द किंग स्टोर ऑफ लाहौर एज अ ब्रांच इन कराची गुड सोल्ड बाई हेड ऑफिस ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 30% टू कस्टमर एट द सेम टाइम दे इनवॉइस द। अच्छा, ये तो हेड ऑफिस में हो रहा है, ये ब्रांच में हो रहा है, तो ये बन गई 120/120। ओके, द स्टॉक वॉज रिपोर्टेड इन द बिगनिंग, तो आपका स्टॉक है ये डेबिट में जाएगा। उसके बाद वो कहता है जी वेयर्स द डेटर एट द बिगनिंग, ये भी डेबिट में जाएंगे। उसके अलावा द ब्रांच वॉज ऑपरेटिंग वेल एंड ड्यू टू रिसेशन द सेल डिक्लाइन बाई 20% एज कम्पेयर टू द ला। ओके फाइन, आगे चलते हैं। सेल्स तो सेल्स हमारी क्रेडिट में चली जाएंगी, ठीक हो गया। वेयर एज द क्रेडिट सेल इंक्रीज बाय 5%, देयर फॉर द सेल इन द कैश वॉज रिपोर्टेड दिस फाइन एंड रिपोर्ट। तो ये कैश में सेल, क्रेडिट पे सेल हो गई, इनको भी हम ये हमारी जाएंगी टोटल डेटर में, ठीक, टोटल डेटर अकाउंट में भी जाएंगी और इधर भी जाएंगी, दोनों में जाएंगी, ठीक हो गया। वो सिर्फ जो है ना कैश वाली वो ब्रांच में जाएंगी। अच्छा जी, रिकवरी फ्रॉम द बैड डेट्स वॉज डायरेक्टली इफेक्टेड एंड कुड नॉट बी कलेक्टेड द फुल अमाउंट फ्रॉम द डेटर, सो इट इज कॉल्ड 26,000। ओके, वो कहता है ड्यूरिंग द पर्टेनिंग टू द फैक्ट ऑफ रिसेशन रिकवरी फ्रॉम, या डेटर पैसे नहीं ना दे रहे जिनको चीजें बेची हैं, ठीक है, तो उनसे कैश की कलेक्शन जो है ये टोटल डेटर अकाउंट में जाएगा, ठीक है, टोटल डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगा। गुड्स वर इनवॉइस 5% लेस देन द 2 ईयर्स एवरेज अमाउंटिंग इतना ड्यूरिंग द ईयर। वो कह रहा है कि जो गुड्स सेंट की गई हैं वो क्या हुई हैं, गुड्स इनवॉइस का मतलब है गुड्स सेंट, तो गुड्स सेंट इतने की हैं, ठीक है, 5% लेस देन द 2 ईयर्स एवरेज, यानी वो कम भेजी हैं, ठीक है। अच्छा जी, गुड्स वर इनवॉइस्ड 5% लेस देन द 2 ईयर्स एवरेज। ओके, अब तो ये हमारी गुड्स सेंट में चला जाएगा, रेंट डेबिट में चला जाएगा ब्रांच अकाउंट के, ठीक है, और उसके अलावा वेजेस डेबिट में चली जाएंगी, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये आप अब इसको पुट करेंगे। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस को कहीं पे भी रिपोर्ट नहीं करते। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में जाएगा और उसके बाद सैंडरी एक्सपेंसेस डेबिट में जाएंगे। तो चीज़ याद रखिएगा, इसमें क्लोजिंग डेटर हमने निकालने हैं और उसके अलावा हमने क्या करना है, लोडिंग निकालनी है। क्या निकालनी है, लोडिंग निकालनी। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सोल्यूशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक मिनट ठहरे, एक मिनट ठहरे, एक मिनट ठहरे यार, क्या नीचे मांग क्या रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट बनाना है, ठीक है, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस निकल आए। ओके, मैंने आपको पूरा समझा दिया कि उसकी डेबिट क्रेडिट में क्या आएगा, ब्रांच अकाउंट भी बनाना है, डेटर अकाउंट भी बनाना है।